हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है NVS की तरफ से, यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आई है 2024 के रिगार्डिंग। इसमें मैं आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ग्रुप एंड ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि NVS में नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है नवोदय विद्यालय समिति के अंदर। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो 1377, मतलब कि 1377 सीट्स आपका यहां पर रहने वाला है। इसका जो नोटिस रिलीज किया गया है 15 मार्च को, बहुत जल्द ये फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। अब बात कर ले कि फॉर्म की फी क्या होगी। तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स यहाँ पर 1500 रुपया लिया जाएगा, और दूसरे पोस्ट के लिए 1000 है फॉर्म फी। SC ST और फीमेल कैंडिडेट से 500 रुपया लिया जाएगा। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितना कितना सीट है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी डिफर रहेगा, साथ ही साथ एज लिमिट भी बताऊंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहली जो हमारी पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स का, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फीमेल्स के लिए ही सिर्फ ये सीट है। 121 यानी 121 सीट रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। उसके बाद जो हमारी पोस्ट है ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए आपका 5 सीट्स रहेगा। क्वालिफिकेशन में सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। 23 वर्ष से 33 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद है ऑडिट असिस्टेंट का, 12 सीट रहेगा। क्वालिफिकेशन BCOM होना चाहिए और 18 वर्ष से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगली सीट हमारी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, 4 सीट है। मास्टर डिग्री होना चाहिए, ट्रांसलेटर का है तो हिंदी या इंग्लिश, जो देख लीजिएगा डिटेल में नोटिफिकेशन में। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आपका लीगल असिस्टेंट का 1 सीट है, बैचलर डिग्री इन लॉ क्वालिफिकेशन है। 23 वर्ष से 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, इसके लिए 23 सीट है। 12th pass out सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। 18 वर्ष से 27 वर्ष इसका उम्र सीमा रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी 2 सीट है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, BTEC होना चाहिए, BSc या फिर जिन्होंने BCA कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, 18 वर्ष से 30 वर्ष के कैंडिडेट। अगला है केटरिंग सुपरवाइजर का, इस पोस्ट के लिए आपका 78 सीट है। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होगा और मैक्सिमम एज 35 वर्ष रहेगा। ये जो हमारी पोस्ट है अगली, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, 2 तरह की है, एक हेडक्वार्टर्स में, एक JNV के लिए है। हेडक्वार्टर्स के लिए 21 सीट है और JNV के लिए 360 यानी 360 है। दोनों ही पोस्ट के लिए 10+2 pass out कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ एज की जो लिमिट है 18 वर्ष से 27 वर्ष रहने वाली है। अगली जो हमारी पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, 128 सीट है। 10वीं पास और साथ ही साथ ITI की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए जो उम्र सीमा है 18 वर्ष से 40 वर्ष है। फिर हमारा पोस्ट है लैब अटेंडेंट का, 161 सीट यानी 161 सीट है। 10th+ diploma in लेबोरेटरी, 18 से 30 वर्ष इसका आपका उम्र सीमा है। मेस हेल्पर के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट है 442, इसके लिए 10th pass out कैंडिडेट इलिजिबल है। 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ का,
19 सीट है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 18 वर्ष से 30 वर्ष। आई होप कि आप ये सारा पोर्शन समझ गए होंगे किन किन पोस्ट पर है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो पोस्ट है ना 14 पोस्ट के लिए था, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि फुल्ली डिटेल में मैं आपको ये सब समझा पाऊँ, इसलिए मैंने एक शॉर्ट वे में आपको समझाया है। अदरवाइज डिटेल वे में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं पोस्ट करूंगी टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके थोड़ा और देखिएगा, उसमें एक एक पोस्ट का अच्छे से पर पेज में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस इन सारे पोस्ट के लिए क्या रहेगी। सिलेक्शन बहुत ही आसान है, दो स्टेज है। नॉर्मली देखिए जो भी बाकी पोस्ट है उसके लिए तो सिर्फ ऑनलाइन सीबीटी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब जैसे कि आपका स्टेनोग्राफर का हो गया या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया, ये सब के लिए आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो ये पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको पता है कि टाइपिंग क्या, स्टेनो का टेस्ट होता है, वो सब आप अच्छे से नोटिस पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अब मैं आपको बताते चलूँ, सिंपली इतना सारा पोस्ट है तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सबका अलग है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं कि जो एग्जाम होगा जनरली जो आधा से अधिक पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, समय रहेगा 2.5 घंटे का, निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। अब विषय वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग के होंगे 25 प्रश्न, मैथ के 25 प्रश्न, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 25 रहेगा। अगर कुछ स्पेशल जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, तो इसमें लॉ से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो नॉर्मल जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो उसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहेगा, जीके जीएस से आपका क्वेश्चन 25 रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे एग्जाम की पैटर्न। उसके बाद जब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा स्टेनो की पोस्ट के लिए, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। जॉब लोकेशन कहाँ होगा, ये भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश के लिए निकली है। और सैलरी की बात करूँ तो इतना सारा पोस्ट है, सबकी सैलरी अलग अलग है। 35,400 से शुरुआत है और लास्टली आपका 1,12,400 होने वाला है। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, हर तरह के क्वालिफिकेशन वाले बच्चों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अपना एक सीट इस बार अचीव करिए, हर कुछ अच्छे से तैयारी करिए, स्पीड को बूस्ट करिए। एंड आई होप कि जो कुछ भी डिटेल इसके रिगार्डिंग बताया सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी मन में कोई क्वेरी है कमेंट करिए, वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।